इस देश को चलाना नहीं जानती है और उसकी जरूरत राजनीतिक सत्ता ही है, और राजनीतिक सत्ता को पाने की जद्दोजहद में इस देश को धीरे धीरे मारा जा रहा है क्या? अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पार्लियामेंट स्टेडियम और सरदार पटेल का स्टैचू, तीनों पर कुल मिलाकर खर्चा हुआ 3,884 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर में हर जिले में अगर मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को खोल दिया जाए और इस देश के भीतर में क्रायोजेनिक टैंकर की भरमार कर दी जाए तो इस देश का जो टोटल खर्चा होगा वह भी 3,834 करोड़ नहीं होगा बल्कि 2,900 करोड़ में सब कुछ हो जाएगा। आप कल्पना कर रहे हैं कि इस दौर में इस देश की विजन क्या काम कर रहा था, वो चुनाव प्रचार में क्यों खोया हुआ था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा नहीं, बीते एक बरस के भीतर में जब पिछले साल मार्च के महीने में महामारी से देश प्रभावित हुआ था उस समय भी ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट इस देश में क्यों कम है। तब सरकार ने सोचा, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने सोचा, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने तौर पर यह सोचना शुरू किया कि कम से कम इस देश के भीतर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, निकाले जाएं। आपको जानकर हैरत होगी कि उसी समय पीएम केयर्स के लिए जो पैसे का जुगाड़ किया गया सिर्फ 4 हफ्ते के भीतर में, नहीं कहिए 4 दिनों के भीतर में 3,000 करोड़ रुपए पीएम केयर में जमा हो गए। हम इसका जिक्र भी नहीं करते, हम इस बात का आपसे जिक्र करना चाहते हैं कि 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को सैंक्शन किया गया और उसको सैंक्शन करने के बाद आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं आपको जानकर हैरत होगी कि मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक सरकार इंतजार करती रही कि कोई बिड फाइल करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस है, कौन लगाएगा, कहां लगाएगा, और इस 162 ऑक्सीजन प्लांट का कुल खर्चा 201 करोड़ 58 लाख। कल्पना के परे है, सिर्फ 201 करोड़ का खर्चा आ रहा है और 162 प्लांट हम नहीं लगा पाए एक साल के भीतर में। आज की तारीख में सिर्फ 5 प्लांट काम कर रहे हैं इस 162 में से। सवाल यह है कि सरकार ने अपने तौर पर जो सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी है, जो एक लिहाज से ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के मातहत आता है, उसने जब तय किया कि 150 डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पर किस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जाए, उस दिशा में भी कोई नहीं सोच पाया कि इसमें तेजी क्यों लानी चाहिए। इतना ही नहीं, स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में जितने भी अस्पताल, जो जंबो अस्पताल बनाए गए थे 2020 के वक्त में कि कोविड मरीजों को वहां पर रखा जाएगा, अगर आपको याद आता हो तो दिल्ली का याद कीजिए जंबो कोविड अस्पताल, ये छतरपुर में था और छतरपुर में सरदार पटेल कोविड सेंटर के नाम पर इसका नामकरण हुआ, राधा स्वामी सत्संग के भीतर में था। देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी थी, ट्वीट करते हुए कि अब यह चालू हो गया, इसमें 10,000 बेड थे, लेकिन वो आज की तारीख में क्यों नहीं है? यानी हम मरीज नहीं थे तो उसको भी मेंटेन कर पाने की स्थिति में नहीं है। इस देश के भीतर में लगभग 22 ऐसे जंबो अस्पताल बंद इसी दौर में हो गए जब इस देश में मरीजों की संख्या कम हो रही थी और दूसरी लहर दुनिया भर में चेतावनी के तौर पर लगातार आ रही थी, लेकिन भारत ने अपनी आंखों पर पट्टी डाल ली और इन अस्पतालों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। और आपको जानकर हैरत होगी कि महाराष्ट्र, जो आज की तारीख में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर भी 1 से 2 हजार वाले जो जंबो हॉस्पिटल्स थे वो बंद होते चले गए। पुणे के भीतर में तो जंबो अस्पताल जो खोला गया था कोविड मरीजों के लिए, उसका बिजली का बिल चुकता तक नहीं हो पाया तो उसको बंद करना पड़ा, वहां के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस पर ताला लगा दिया। लेकिन हमारे पास तो क्रायोजेनिक टैंकर तक नहीं है जो इधर से उधर ले जाए, तो कहा जा रहा है हवाई जहाज से इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था कराइए जिससे तेजी से ले जाया जा सके, क्योंकि जो टैंकर के जरिए भी जो आवाजाही होती है भारत के भीतर में, जो खूब कहते हैं कि हमने शानदार सड़कें निर्माण कर दी है, 6 से 8 दिन का वक्त एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने में लग रहा है, जो 3 से 4 दिन पहले शुरुआती दौर में था वो भी बढ़ गया है। इसके मतलब क्या है? और अगर ऐसा संकट है तो क्या वाकई इस देश की सरकार इस देश को चलाना नहीं जानती है और उसकी जरूरत राजनीतिक सत्ता ही है, और राजनीतिक सत्ता को पाने की जद्दोजहद में इस देश को धीरे धीरे मारा जा रहा है क्या? जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों में होता है वह ओवरऑल सिर्फ
15% होता है, बाकी 80-85% में से 20% लगभग स्टोरेज में चला जाता है। इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन स्टॉक जो था वो 50,000 मीट्रिक टन बचा हुआ था, जिसके जरिए इस देश ने कुछ दिन तो चीजें संभाल ली। अब फिर 50,000 मीट्रिक टन लाने की व्यवस्था की जा रही है, किसी तरीके से उसको इंपोर्ट किया जाए। लेकिन बाकी जो ऑक्सीजन होता है वह स्टील या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फार्नेंस होता है, जो वेल्डिंग का काम होता है, उसमें उपयोग में लाया जाता है। वहां से भी चीजें शिफ्ट की जा रही है। जो भी पीएसयूज हैं, जो गवर्नमेंट सार्वजनिक उपक्रम है, वहां पर जो स्टील इंडस्ट्रीज है उनके पास जो भी है उसको भी अब डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी ऑक्सीजन की फैक्ट्री, ऑक्सीजन की इंडस्ट्री लगाने के लिए इस देश के भीतर में लगभग एक साल के भीतर में सबसे बड़ा प्लांट इस देश में लग सकता है, जो प्लांट अपने तौर पर आज की तारीख में जो 7,127 मीट्रिक टन जो बनाया जा रहा है भारत के भीतर में, अगर इतनी ही कैपेसिटी का एक अलग प्लांट लगा दिया जाए तो उस पर कितना खर्चा आएगा? पार्लियामेंट पर जो खर्चा हो रहा है उससे कम खर्चा आएगा, स्टेडियम पर जो खर्चा हो रहा है उससे कम खर्चा आएगा। यानी आप कल्पना कर पा रहे हैं कि खर्चे का जिक्र नहीं है, विजन की बात है, प्राथमिकताओं का जिक्र है, आपकी संवेदनशीलताओं का जिक्र है, आपकी जिम्मेदारी का जिक्र है। लेकिन आपने चीजों से आंखें मूंद ली। क्या हमने वाकई आंखें मूंद रखी हैं? यकीनन आंखें मूंद रखी है, क्योंकि आज की तारीख में मेडिकल डिवाइसेस जो भारत में जरूरत पड़ती है उसको लेकर भारत दुनिया के उन देशों में आता है जहां सबसे कम खर्चा मेडिकल डिवाइसेस का यहां के लोगों पर होता है, सिर्फ $3। यानी ब्रिक्स कंट्री में भी आइएगा तो वहां पर चाइना भी $7 प्रति व्यक्ति मेडिकल डिवाइस पे खर्च करता है, ब्राजील $21 करता है, रशिया $42 करता है। दुनिया के दूसरे देशों का जिक्र मत कीजिए क्योंकि वो $100 के पार चला जाएगा। हम लोग सिर्फ $3 पे अटके हुए हैं, और उन सब के बावजूद भी जब 75-80% हम लोग मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट ही कर रहे हैं, और यह भी जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत है इसको भी जब अगर आप लगाना चाहे इसको तो फ्री कर देना चाहिए सरकार को, इसमें एनओसी की क्या जरूरत है? इस देश के भीतर में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको फ्री ऑफ लाइसेंस देना चाहिए, कोई खर्चा नहीं है। लेकिन हमने इस दिशा में कभी सोचा नहीं है। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट हो या लिंडा इंडिया हो या गोयल एमजी केसेस हो या नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड हो, इनके जो अपने टर्नओवर है उस टर्नओवर का लगभग दुगना हिस्सा सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव में फूंक दिया गया, चुनाव प्रचार में फूंक दिया गया। और हम थोड़ा और माइन्यूट होकर हमने सोचना शुरू किया, जो स्टार प्रचारक होते हैं और स्टार प्रचारकों में भी इस देश के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनको इस देश को संभालना है, वह जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उनका खर्चा तो कुछ होगा जो उनकी पार्टी ही ढोती होगी, लेकिन उस खर्चे के मातहत इस देश के भीतर में अगर ऑक्सीजन प्लांट ही खोल दिए जाते तो क्या होता? ये सारे राज्यों में कोई मरीज को कभी कोई कमी ऑक्सीजन की नहीं होती। अगर सिर्फ उनके इस प्रचार यात्रा और उन पर होने वाले खर्चे को अगर हम कन्वर्ट कर दें इस देश में प्लांट खोलने में, यह त्रासदी इस देश की है। और इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है कि आपने इस देश को अभी तक मानसिक तौर पर ना सिर्फ दिवालिया बनाकर छोड़ दिया है बल्कि बेसिक जीने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और उस दिशा में सोचना भी आपने नहीं शुरू किया है, अभी भी नहीं किया है, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम नहीं। आपके पास एक सिस्टम है डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का सिस्टम जरूर है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मेडिसिन लोगों को मिल जाए, इसकी कोई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इस देश के भीतर में जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां वहां ऑक्सीजन पहुंच जाए। इससे ज्यादा स्थिति और क्या बिगड़ सकती है? इस देश के मिनिस्टर्स, दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका, और जनरल वीके सिंह, उनके भाई बीमार पड़ गए तो वो गाजियाबाद के डीएम को ट्वीट करके कह रहे हैं अस्पताल में जगह दिलवा दीजिए, अस्पताल मिल नहीं पा रहा है। सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति इस देश के सामने है।